आज बनाएंगे हाई प्रोटीन रिच सैलेड और ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। प्रोटीन हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इस सैलेड में बहुत सारा प्रोटीन है। इसे हमने सोया चंक्स और बहुत सारे वेजिटेबल के साथ बनाया है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 50 ग्राम सोया चंक्स ले लेंगे और उन्हें बॉईल कर लेंगे। और अब इस बर्तन में हम एक ग्लास पानी डालेंगे और 4 से 5 मिनट हम सोया चंक्स को बॉईल कर लेंगे। और अब चेक कर लेंगे, देखिए सोया चंक्स काफ़ी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक दूसरा बर्तन रखेंगे और स्टेनर लेके सारे सोया चंक्स को हम स्टेन कर लेंगे। इसका पानी पूरी तरह से अलग कर लेंगे। सोया चंक्स में ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसका पानी पूरा निकाल लेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे स्पून से और सारा पानी इसका निकाल लेंगे। इसका सारा पानी अब निकल चुका है। इसके बाद स्टेन किए हुए सोया चंक्स को हम कट कर लेंगे 2 पीसेस में। आप चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कट करके ले लिया है। और अब ये सारे कट किए हुए सोया चंक्स हैं, इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब 2 टेबलस्पून हम फ्रेश कर्ड यानी दही डालेंगे इसमें। सोया चंक्स का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है, इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए हम ये दही यूज़ कर रहे हैं। और दही डालने के बाद में हम 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ले लेंगे और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ले लेंगे, नमक ले लेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे इसमें। और इसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सोया चंक्स के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी दही की। और दही अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तभी इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा सोया चंक्स में। और तब तक हम इसके लिए कुछ वेजिटेबल्स ले लेते हैं और उन्हें हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। यहाँ पे जो मैंने ऑयल लिया है वो ऑलिव ऑयल है। अब ऑलिव ऑयल डालने के बाद हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का येलो कैप्सिकम लिया है, इसे बारीक पीसेस में कट करके लिया है। और इसी तरह ग्रीन कैप्सिकम को भी हम छोटे पीसेस में कट करके ले लेंगे, ये भी मीडियम साइज़ की ही ली है। और अब इसमें ऐड करेंगे रेड कैप्सिकम, तो तीनों ही कलर की शिमला मिर्च जो है मैंने ली है। और इसके बाद में हम ब्रोकली ऐड करेंगे, ब्रोकली के भी छोटे पीसेस करके लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास चेरी टोमेटो है, तो चेरी टोमेटो कुछ ले लेंगे। और अब इन सभी सब्जियों को कुछ सेकंड के लिए हम सॉटे कर लेंगे। इन्हें कुक नहीं करना है हमें, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। इसमें वो कच्चेपन का जो क्रिस्प होता है वो होना चाहिए। तो बस किस सिर्फ कुछ समय ही हमें इसे सॉटे करके ले लेना है और उसके बाद में गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। सैलेड में जितने ज़्यादा कलर की सब्जियाँ होती है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पे सब्जियाँ आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं। अब इन सभी सब्जियों को हम मैरिनेट किए हुए सोया चंक्स में ऐड करेंगे। तो ये देखिए सोया चंक्स में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ चुका है इस दही का। और अब हम इसमें सारे वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। आप इस सैलेड को डिनर टाइम पे, लंच टाइम पे या फिर ब्रेकफास्ट टाइम पे भी ले सकते हैं। आप इसे फुल पावर पैक सैलेड बोल सकते हैं, बिकॉज ये ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ पे लास्ट में कुछ और वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, यानी ये जो बारीक कट करके मैंने लिया है ये एक मीडियम साइज़ की काकड़ी है, इसे छोटे पीसेस करके लिया है। और इसी के साथ में हम डालेंगे यहाँ पे लेटस। अगर लेटस नहीं है तो आप यहाँ पे कैबेज को भी फाइनली चॉप करके डाल सकते हैं। और इसके बाद में हम लेंगे 1 टीस्पून रोस्टेड किया हुआ सफ़ेद तिल। और अब इसी के साथ में 1/2 टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर। और इसके बाद में हम लेंगे चाट मसाला 1/2 टीस्पून। और जो नमक है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, हमने पहले भी इसमें नमक डाला है। और अब बारी आती है हरे धनिया पत्ती की, तो 1 टेबलस्पून बारीक कट किया हुआ हम धनिया पत्ती ले लेंगे। और इसी के साथ में हम बारीक कट किया हुआ 1 टीस्पून मिंट लीव्स ले लेंगे। मिंट लीव्स से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सैलेड में। और अब इस सैलेड में हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, बस अच्छी तरह से इस सैलेड को मिक्स कर लेना है हमें। इसके लिए मैंने दूसरा स्पून ले लिया है ताकि इसे बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर सकें और इसके जो सारे फ्लेवर्स है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी ये बनेगा सुपर टेस्टी और डिलीशियस हेल्दी सैलेड। तो इस तरह हमारा ये जो सैलेड है हाई प्रोटीन रिच सैलेड बनकर तैयार है।
एक बार फिर सब्जियां आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो सब्जियां आप लें। और ये जो सोया चंक्स है इसमें एक फ्लेवर ऐड कर दें आप, इसके बाद आपका सैलेड बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो इस तरह से हमारा सैलेड बनकर तैयार है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी तो आप सबके साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।